आप सभी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जी न्यूज पोर्टल पर लाइव राजगढ़ की, जहां का रोडवेज स्टैंड का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। यहां की स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको, जो नगर पालिका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, और जो यहां बाथरूम टॉयलेट जो बने हुए हैं, यहां लोकार्पण मुख्य अतिथि यहां आप देख सकते हो, उन्होंने इसका उद्घाटन भी कर दिया है, शिलान्यास भी कर दिया है। और आप देखो ये ताला लगा हुआ है, आपको अंदर से दिखाते हैं इसको। बेचारी लेडीजें देखो, ये लेडीजें बेचारी बाथरूम इधर करने गई हैं। ये बाथरूम का टॉयलेट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। मतलब यहाँ सुविधाएं हैं लेकिन खोल नहीं रहे, काफी दिनों से बंद है। और ये स्टैंड है रोडवेज, और राजगढ़ काफ़ी बड़ा शहर है जो विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। ये सर आप कुछ कह सकते हैं इस रोडवेज स्टैंड के मामले के ऊपर, जो यहाँ ताला लगा हुआ है? नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी है भाई। जैसे यहाँ ताला लगा हुआ है, ये गलत है या सही है? गलत है। और ये देखो रोडवेज स्टैंड, एक आ रही है एक जा रही है, ये स्टैंड है, ये आप देख सकते हैं भाई। ये किस लिए बनाया है सर? ये लोगों की सुविधा के लिए बनाया है, लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाया है। महिलाएं जैसे यहाँ इसमें बाथरूम जाएं, महिलाएं और लेडीज है, ये आप देख सकते हैं। सर हम कुछ बात करना चाहते हैं डिपो वालों से। सर आप जी न्यूज पोर्टल पर लाइव हो, यहाँ के राजगढ़ का रोडवेज स्टैंड माना जाता है, ठीक है, ये विधानसभा क्षेत्र भी है और एक अच्छा क्षेत्र मानते हैं इसको, नगर पालिका भी क्षेत्र है, नगर परिषद हो गई वैसे तब तो। जैसे ये रोडवेज स्टेट के अंदर जो यहाँ सुविधाओं के लिए जो बनाया है, इसको कब से बंद कर रखा है? बंद नहीं है, कल से ही बंद है, शनिवार और रविवार की छुट्टियों। तो ऐसा मेरी बात हुआ, अभी मैंने आपको दिखाया था महिलाएं यहाँ टॉयलेट में किस तरीके से पीछे की तरफ जा रही हैं खुले में, तो ये अच्छा है कि गलत? सही है, तो फिर आप इसकी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, कह चुका हूँ मैं नगर पालिका वालों से। ये आपको हम दिखा रहे हैं जी न्यूज पोर्टल पर लाइव, किसी कर्मचारी को लगाया भी था, अब फिलहाल हटा रखा है, उसको क्यों हटाया ये तो नगर पालिका वाले। तो ये रोडवेज स्टैंड एक माना जाता है, तो इसको सुविधाएं भी तो होनी चाहिए ना, पानी की भी पीने की भी सुविधा होनी चाहिए। या आपने एक डिपो लेके बैठ गए यहाँ, किसने खुलवाया इसको? गवर्नमेंट ने खुलवाया, नगर पालिका ने जगह दी आपको, ये तो इसके अंदर आपकी सुविधा भी तो होनी चाहिए। ये ठेके पे है आपका? ये नहीं, ये आपका जो डिपो आपने रख रखा है, ये रोडवेज के ठेके पे है या किस पे है? रोडवेज ठेके पे है, रोडवेज का है, रोडवेज। नहीं आप किस किस सिलसिले से हो, आप गवर्नमेंट से हो या ठेकेदार की तरफ से हो, कैसे हो आप? गवर्नमेंट तरफ से, गवर्नमेंट ठेके की तरफ से। तो आप लिखित में दीजिए यहाँ से कि यहाँ पानी की सुविधा जाए, गर्मी आ गई, दूसरा ये कि जो है टॉयलेट कभी बंद नहीं होने चाहिए, ये अच्छा नहीं है भाई, अच्छा नहीं है ना सर। ये टॉयलेट एक ऐसी चीज है, आपकी अगर महिला आपकी बच्ची भी उतरती है स्टैंड पे से, यहाँ दो दो रोडवेज खड़ी हुई है आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो क्या हालत है आप देख सकते हो इसकी, जो बंद पड़ा हुआ था मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था आपको। नहीं इसको नगर पालिका कह चुके, ये करवाओ सर आप। ये देख सकते हो आप किस तरीके से पीछे की तरफ ये जाते हैं, और यहाँ दरगाह भी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा इनको सोचना चाहिए कि 24 घंटे टॉयलेट को खोलना चाहिए, लेकिन स्थिति खराब है सब। ये नगर पालिका पीने वाले हैं और कुछ नहीं है लेना देना, पारा पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए आप, थैंक यू दर्शकों, आपको मैंने दिखाया था जी न्यूज पोर्टल पर लाइव।